श्रेय वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दिवंगत बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी हैं। श्रेय वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी हैं। वो समाजवादी पार्टी महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। श्रेय ने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के वेलम गर्ल स्कूल से की और दिल्ली के रामजस कॉलेज से इकोनॉमी ऑनर्स में ग्रेजुएट किया। वो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी रहीं। उनकी मां सुधा रानी वर्मा जो बाराबंकी में एक डिग्री कॉलेज चलाती है के अनुसार श्रेय छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। लेकिन उन्होंने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार श्रेय वर्मा लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह से है। श्रेय ने इस चुनाव में कीर्तिवर्धन को राजनीति के बैकफुट पर धकेलने का भरपूर प्रयास किया है। जमीन पर लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है जो दावा इस लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद कर रहे हैं वैसा दिख नहीं रहा है। श्रेय का सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी राम मंदिर के माहौल से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का असर गोंडा में भी व्यापक रहा, लेकिन इस असर को रोजगार और महंगाई की तरफ ले जाने का श्रेय ने भरपूर प्रयास किया। बता दें कि गोंडा लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोंडा सदर, मैनोन, अतरोल, मकनापुर, गोरा विधानसभा है। मकनोन, अतरोला और गोरा क्षेत्र मुस्लिम और कुर्मी बाहुल है। श्रेय वर्मा के लिए यही पॉजिटिव है कि वो प्रदेश के सबसे बड़े कुर्मी नेता की पोती हैं। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 21% मुस्लिम वोटर है। माना जा रहा है इस बार गोंडा में कुछ भी हो सकता है। शायद गोंडा की जनता बेहद ही पढ़ी लिखी श्रेय को अपना आशीर्वाद दे सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।